हमीरपुर में यमुना और बेतवा में आई बाढ़ ने हाहाकार मचाया हुआ है। यहां बीते 5 दिनों से दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जो घटने की बजाय अब और तेजी से बढ़ रही हैं, जिसकी वजह कोटा बैराज से यमुना में 6.5 लाख क्यूसेक पानी का छोड़ा जाना बताया जा रहा है। बाढ़ से लगातार हालत खराब होती जा रही है। सदर कोतवाली क्षेत्र के कई मोहल्लों में पानी घुस गया है, लोगों के घर जलमग्न हो गए हैं। लोग घर द्वार छोड़ छोड़ कर लोग नाव में सामान भर भर कर ऊंचे इलाकों की तरफ भाग रहे हैं। अभी यमुना नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है, तो वहीं बेतवा भी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर है। जबकि बाढ़ की स्थिति अभी और भयानक होनी है, क्योंकि यमुना नदी में कोटा बैराज से 6.5 लाख क्यूसेक पानी और छोड़ा गया है, जो हमीरपुर पहुंचना शुरू हो गया है। अभी जब पानी कम है तो यहाँ के इतने खराब हालात हैं, तो जब शाम तक और पानी आएगा तब यहाँ के हालात कैसे होंगे, यह अंदाजा लगाया जा सकता है। लोगों ने राहत के नाम पर कुछ भी ना मिलने की बात कही है, तो वहीं बच्चे भी स्कूल जाने से महरूम हो चुके हैं, क्योंकि इन बच्चों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं हमीरपुर के अपर जिलाधिकारी मौके पर मौजूद रहे और कर्मचारियों की मदद से बाढ़ प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। समस्या है, न लाइट है, न कोई साधन है। अब बहुत बुरी पोजीशन है कि यहाँ कीड़े काट रहे हैं सब, पूरे बच्चे बीमार। यहाँ गर्मी है, नदी बार बार बढ़ रही है, 3 महीने हो गए। यहाँ के ओटन को बहुत आफत है। ये पहले बताइए, निषाद लोग का पानी पी के रहेंगे क्या? कुछ गवर्नमेंट साधन दे सकती है ना किसी को, गरीब आदमी को नहीं दे सकती? पानी भरा है, बेटा लड़का बच्चा रो रहे हैं, पूरी पूरी रात में जगी हूँ। मैं यहाँ से बोल रही हूँ कि हमें कुछ ना कुछ साधन दिया जाए, या तो फिर हमें कुछ बताया जाए। खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं? कुछ नहीं है यहाँ बंदोबस्त, कुछ दिया जाए हमें साधन। यहाँ पे बहुत परेशानी, निकलने के लिए या स्कूल जाने के लिए कोचिंग नहीं जा पाते, ना स्कूल, निकलने के लिए बहुत दिक्कत है, खाने पीने के लिए दिक्कत है, पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है, नल डूब गए, घर भी डूबे हैं, छत में ऐसे बैठे हैं। प्रशासन ने कोई खाने पीने का बंदोबस्त नहीं किया, लंच पैकेट वगैरह? जी नहीं, कुछ नहीं किया है। बाढ़ आई हुई, ना कुछ खाने पीने की व्यवस्था, छोटे छोटे लड़का बच्चे हैं, गैस तो वह खत्म हो गई, ना कहीं की मंजूरी धतूरी करने पाए आदमी, ना कुछ का क्या बच्चे खाएं। प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की? कुछ नहीं की, कोई नहीं आया, कोई मिलने भी नहीं आया। हाँ, इधर कोई देखने तक नहीं आया कि कोई बूढ़ रहा है कि बही रहा है। अरे बाढ़ में सारा नुकसान हो गया, यहाँ सब डूब गया, जितना नुकसान घर के भीतर भर गया, सामान उठाना धरना पड़ा, काफी नहीं उठ पाए, जो अकेले थे वो सब डूब गया, वहीं मूर्चे उर्चे लग गया। अब क्या, बाढ़ में यही नुकसान हुआ। मैं कुछ बाबा में पेड़ लगाए थे हम लोग, स्थान में सब डूब गया, हमारा बहुत नुकसान हुआ बाढ़ में। प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किया? अभी कोई नहीं हमारा इंतजाम किया, कोई अभी अपने से सब कुछ कर रहे हैं। बाढ़ में कहाँ जाए, इधर उधर जाए, लाकर नहीं कुछ मेहनत करके कि खा सके। अभी लंच पैकेट वगैरह कोई व्यवस्था नहीं है। और खाना बना बना खाना मिलेगा, यहाँ पे पानी पड़ेगा, समझे? आराम से चलो, अपने भैया से बात कर लो, तुम भी हो ना सब? कितने लोग हैं यहाँ पे? सब लोग आए हैं, बता लो, आपस में बात कर लो सब, समझे? ठीक है, चाहे अभी चलना तो अभी गाड़ी भेज देना, शाम को चलना वही, कुछ 6 डिग्री काल में व्यवस्था की, समझे? और आराम से वही खाना पीना मिलेगा, कोई झंझट नहीं, बनाना चाहोगे राशन मिल जाएगा। चलो मिल रही तो आराम से चले जाओ। अब यहाँ जबरदस्ती सड़क किनारे पड़े रहो, सही नहीं है स्थिति। कल से भी, कल भी कहा गया, परसों भी कहा गया, तो आप लोग बार बार ये कह रहे हो चलेंगे। अब यहाँ पड़े सोच रहे ना कि 1-2 दिन में घर जाएगी, तो कहे JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।